तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां जारी है। कायदीन का जलसा गाह का दौरा, कारकुन भी पहुंच गए। रिवायती जोश व खरोश, खातीन भी मौजूद। उधर इंतजामिया ने फैजाबाद और दीगर मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए, रेड जोन भी सील। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, पुरजोश नारेबाजी। मौलाना फजल रहमान, डॉक्टर अबुल खबीर जुबैर, प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर रहनुमा शरीक। खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुलहुकूमत में जलसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। नए कानून के तहत इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर कोई जलसा या इज्तिमा जुर्म तसव्वुर होगा। पहली खिलाफ वर्जी पर 3 साल और दूसरी खिलाफ वर्जी पर 10 साल कैद होगी। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम बहाल होने के बिना पर बरियत की दरख्वास्त दायर की गई। वकला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करवा दी। फैसले की रोशनी में बरी करने की इस्तदा। और अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का लंदन में खिताब। कहा पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। IMF की सपोर्ट हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा।